फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के बारे में, बिकॉज एक बहुत बड़ी देखिए इसके ऊपर न्यूज़ निकल के आई है अबाउट द फंड रेजिंग के ऊपर। दोस्तों, कंपनी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। क्या बयान दिया है इसके ऊपर दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करूंगा, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर चैनल से आप नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम आपको रोज़ देखिए कोई पिक देते हैं बाय की, जो आपको बढ़िया देखिए फ़ायदा करवा के दे सके। आज भी हमने देखिए बढ़िया पिक दी थी इंडियन बैंक की और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की, तो आप वहाँ पर जाके जुड़ सकते हैं। लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेकआउट करिए। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। तो देखिए, वोडाफोन आइडिया के अंदर आपको लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी देखिए स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली, 8.25 रुपये पे क्लोजिंग दी, 20 पैसे देखिए स्टॉक गिरा है, करीबन 2.37% आपको स्टॉक के अंदर डाउनफॉल देखने को मिला है। अब वोडाफोन आइडिया की देखिए लगातार यहाँ पर स्टॉक के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है, बट एक बड़ी खबर निकल के आई है, और वो बड़ी खबर देखिए मच अवेटेड न्यूज़ है, और जिसका देखिए सब इंतज़ार कर रहे हैं, वो है दोस्तों फंड रेजिंग। अब फंड रेजिंग देखिए, कंपनी ने कहा था कि हम पूरी देखिए अब 25,000 करोड़ रुपए तक फ़ंड रेज करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम हमारी जो भी डेट है उसको देखिए निकाल सके, बट वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। लेकिन कंपनी का देखिए थोड़े दिन पहले बयान आया था कि हम 7,500 करोड़ यहाँ पर फंड रेज करेंगे थ्रू पेंशन फंड्स, और अब कंपनी के तौर पे देखिए औपचारिक ऐलान हो चुका है कि हम इसको पूरा जून तक कर लेंगे, यानी ये जून तक आपको जो फंड रेजिंग है वो पूरी होती हुई नज़र आ जाएगी। चलिए पहले आपको पूरा न्यूज़ दिखाता हूँ क्या निकल के आई है। अब देखिए, ये रिपोर्ट निकल के आई कि वोडाफोन आइडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो इनिशियल फंड रेजिंग है, देखिए ये फंड रेजिंग पहली नहीं है ना ही आखिरी है, ये शुरुआत है देखिए फंड रेजिंग का 7,500 करोड़ की टिल जून एंड। अब ये कंपनी ने क्या कहा है देखिए इसके ऊपर पूरा हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दे ऑल्सो क्लेम दैट द कैश ट्रैप टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैज़ अश्योर्ड बैंक्स दैट इट वुड नॉट डिफॉल्ट ऑन इट्स पेमेंट्स। कंपनी ने देखिए ये भी कह दिया है कि जो रिपोर्ट निकल के आई है इसमें यह कहा गया है कि देखिए यहाँ पे जो भी हम डिफॉल्ट है, जहाँ पे देखिए हमको पैसा चुकता करना है, हमने बैंक बात कर ली है देखिए सारे बैंकों से, उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि हमें वो डिफॉल्ट नहीं करेंगे। अदर हैंड पे उन्होंने कहा है कि जो पब्लिक और प्राइवेट लेंडर्स हैं, उन्होंने बिलीव किया है कि इस टेलीको के अंदर आपको पूरा ये जो फंड रेजिंग है ये पूरा होता हुआ नजर आएगा। देखिए उनकी किस किस से बातें चल रही है, इनकी बातें चल रही है जो लोकल लेंडर्स है वो देखिए वीआई लोकल लेंडर्स है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक। अब अगर हम देखें तो रिसेंटली इन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ आप देखेंगे एक्सटेंड गारंटी थी, जिसमें 1,420 करोड़ आपको अनादर ईयर वीआई ये आपको क्या करता रहता है, अपना जो ड्यू है वो पूरा करता हुआ नज़र आएगा, और गवर्नमेंट को जो 4G स्पेक्ट्रम के ऊपर पैसे देने वो दोस्तों यहाँ पे आपको देता हुआ नज़र आएगा इन 1,420 करोड़ से। बिकॉज आप देखेंगे अभी वीआई ने करीबन 1,993 करोड़ का देखिए 4G स्पेक्ट्रम बाय किया था, जिसमें करीबन उन्होंने 574 करोड़ अपफ्रंट में पे कर दिए थे। तो डेफिनेटली देखिए वीआई के ऊपर लगातार काफ़ी खबरें निकल के आ रही है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो फंड रेजिंग की है, और ये दोस्तों सारे निवेशकों के लिए सबसे बढ़िया खबर है। या आप मान के चलिए जो खबर है फंड रेजिंग ये सबसे बढ़िया है, और इसी बेसिस पे देखिए स्टॉक के अंदर आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। देखिए अगर ये फंड रेजिंग पूरा हो जाता है, ये देखिए पूरा सिनेरियो कंप्लीट हो जाता है, तो जो सबसे बड़ी चीज़ होगी स्टॉक को और कंपनी के ऊपर, कि कंपनी को जो चीज़ चाहिए फंड रेज के लिए, जो पैसा चाहिए वो देखिए एक तो पूरा होता हुआ नजर आएगा, और यहाँ से आपको स्टॉक के अंदर भी रैली देखने को मिलेगी, बिकॉज जो स्टॉक पहले चला था वो सिर्फ इन खबरों के ऊपर ही चला था, और यह भी खबरों का देखिए बिल्कुल स्पष्टीकरण जो होता है वो देखिए आता हुआ आपको देखने को मिलेगा, और जैसे ही देखिए वो पूरा आ जाएगा इसके तब देखिए स्टॉक के अंदर बढ़िया तेज़ी देखने को मिलेगी। अब आपको करना क्या है दोस्तों स्टॉक के अंदर आगे, चलिए आपको ये बताता हूँ। तो देखिए जहाँ पे अभी आपको वीआई मिल रहा है, डेफिनेटली एक बढ़िया पोजीशन है बाय करने की। क्यों? पिछले 6 महीने का आपको देखिए चार्ट निकाल के दिखाऊंगा, 6 महीने में स्टॉक अपने लोएस्ट पॉइंट के आसपास आ चुका है, और कह सकते हैं कि उसके भी नीचे ले गया है। और पिछले 1 साल की बात करूं तो स्टॉक अब आपको लगातार गिरता हुआ नज़र आ रहा है, सिर्फ 98% की तेज़ी दिखा दी है, लेकिन इन लेवल से स्टॉक ने काफ़ी बार एक बड़ी तेज़ी दिखाई है। कहाँ कहाँ दिखाई है ये देखिए, फर्स्ट टाइम इधर, दूसरे टाइम इधर, और तीसरा टाइम इधर आ चुका है। तो स्टॉक अपने काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट पे आ चुका है, ये आप समझ लीजिए। 8 रुपये के नीचे मुझे नहीं लगता कि देखिए वीआई आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा, और 8 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा के चलना है। और करंट लेवल्स दोस्तों बिल्कुल ये बाइंग लेवल्स है, इसको आप समझ के चलिए, यहाँ से ये स्टॉक डेफिनेटली बढ़िया करेगा, और आप इन लेवल्स पे लीजिए तो यहाँ से मुझे लगता है कि देखिए इसमें और गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो वीआई के अंदर करना क्या होगा कल के लिए, सबसे पहले टेक्निकल्स पर नज़र, फिर कल के टारगेट्स। तो टेक्निकल्स में आप देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टॉक के लिए, वो होता है बाइंग और सेलिंग रेशियो। वो आप देखेंगे तो लोग काफ़ी बाइंग कर रहे हैं,
काफ़ी बढ़ बढ़ के देखिए बाइंग कर रहे हैं, 2 सेल 16 बाय लगातार बाइंग हो रही है। तो कल के लिए क्या करना है, बाय करना है करंट लेवल्स पे, यानी CMP पे टारगेट रखने दोस्तों वोडाफोन आइडिया के लिए, वो होंगे यहाँ से कल के लिए वो होंगे 8 रुपये 50 पैसे से लगाकर 8 रुपये 75 पैसे तक के। और स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है दोस्तों यहाँ पे, वो होगा VI के लिए करीबन 8 रुपये का। तो इस तरीके चलिए होल्ड करिए, मुझे लगता है कि देखिए जब भी न्यूज़ पूरी कंप्लीट हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी, इस स्टॉक के अंदर बढ़िया रैली बनेगी और करंट लेवल्स पर डेफिनेटली VI इज़ अ गुड पिक। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।